सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह, खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। खेती कानूनों के विरोध च दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते डटे किसानों ने पीएम मोदी की मन की बात का किया संकेतक विरोध, थालियां खड़का के प्रगटाया अपना रोस। किसान जथेबंदियों वालों दिए सदे तहत पंजाब भर च किसानों ने थालियां खड़का के किया रोस प्रदर्शन, केंद्र सरकार खिलाफ कड़ी पड़ास। सिंघू बॉर्डर उत्ते किसानों दरमियान पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार ने की खेती कानून वापस लैण की मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों के विरोध में वड्डी गिणती च किसान दिल्ली दीआं बरूहां उत्ते डटे हुए ने। दिल्ली च धरनां उत्ते बैठे किसानों नूं अज 32 दिन हो चले ने। कड़ाके की ठंड च भी वख-वख सूबें तों किसान एकजुट होकर खेती कानूनों का खिलाफ रोस प्रदर्शन कर रहे ने। दिल्ली दी सिंघू अते होर सरहदां उत्ते डटे किसानों ने अज वख-वख ढंग नाल विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम च देशवासियों नूं संबोधन किया सी। इस दे विरोध में सिंघू सरहद उत्ते डटे हज़ारां की गिणती च किसानों ने खेती कानूनों नूं लैके चल रहे अंदोलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के विरोध में थालियां ते पीपे खड़काए। दस दिए कि मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी दिल्ली धरने उत्ते बैठे किसानों का जिक्र नहीं किया। दस दिए कि किसान तीनों खेती कानूनों नूं रद्द करने की मंग उत्ते अड़े हुए ने। किसानों ने हुण 29 दिसंबर 2020 नूं केंद्र की दूजी चिट्ठी का जवाब देते हुए मुलाकात लई हामी भरी है। किसानों ने केंद्र सरकार नूं 4 सूत्री एजेंडा भी भेजा है कि उन्हां दीआं मंगां ने उह पूरियां कीतीआं जाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज साल की आखिरी मन की बात की गई, जिस दौरान किसान जथेबंदियों वालों मिले सदे तहत पंजाब भर च किसानों ने थालियां खड़का के रोस प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों की गई मन की बात का अमृतसर च भी किसानों ते आम लोगों ने विरोध किया। इस मौके उन्होंने भांडे खड़काए और अपना विरोध जग जाहिर किया। लोगों ने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड में बॉर्डर उत्ते बैठे ने, पर मोदी सरकार उन्हां दी सार नहीं लै रही और ना ही उन्हां दी मंगां मन रही है, जो मंदभाग है। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे के सदे उत्ते फेज 11 मोहाली के वासियों वालों थालियां खड़का के पीएम मोदी की मन की बात विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया गया। काले खेती कानून के संबंध में फेज 11 के वासियों ने नारेबाजी करदे कहा कि मोदी भजाओ पंजाब बचाओ। प्रदर्शनकारी ने पूरे फेज 11 का चक्कर कट्टिया और थालियां बजाते हुए अगे वध के मोदी सरकार की आलोचना करते नजर आए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ RBI ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, CBI ਲੈ ਲਓ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ MA MPhil BEd ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, 101% ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਖੂਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ
मैं सिखी का छोड़ो तुसी कदे भी जेड़े धर्म की कमाई करने वाले बंदियां दा मोर्चा कदे फेल नहीं हुंदा ते कदे फेल नहीं होगा। जिनी छेती कर दूगा मोदी चंगा है, जे नहीं करूगा तो शायद जमा ही खत्म हो जूगा। जे कि माड़ी मोटी सिंपथी लैनी है छेती कर दे शायद बचा रह जाए, इन्ना है इन्नी सलाह है, अदरवाइज अंत निश्चित है। शहादत जी होगी किसानों की वृथा नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी सिख हिंदू मुसलमान सब एक नारा मार के उन्होंने की शहादत जिंदा रखा। ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चे वालों कॉल दी गई थी कि मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने संबोधन करना है, सुनना नहीं। उन्होंने कोरोना भजाने लिए कहा कि थालियां खड़काओ, असं मोदी साहब भजाने वास्ते थालियां खड़का रहे हैं। जथेबंदियों का कॉल सी, उन्हों की कॉल से असं फुल चढ़ाए ने, उस संबंध में असं यह अब थालियां बजाइया ने कि असं मोदी साहब भजाने के अपने काले कानून जो है उन्होंने वापस करा। उधर संगरूर तो संसद मैंबर भगवंत मान ते विधायक मीत हेयर ने थालियां खड़का के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों की गई मन की बात का विरोध किया। इस मौके संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा कि किसान जथेबंदियों के सदे उत्ते उन्होंने रोस प्रदर्शन किया। असी साथ देवे इस सदे का जो किसानों ने दिता है, पूरे देश जिथे भी वीडियो सुन रहे हो चाहे पांच मिनट लिए सही, एक बार जरूर झूठे मन की बात का विरोध करना है और उन्होंने किसानों के अंदोलन का साथ देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर तो सिंघू सरहद उत्ते किसानों दरमियान पहुंचे। इस मौके उन्होंने चार साहबजादों और माता गुजर कौर जी की शहादत को प्रणाम किया। इस मौके केजरीवाल ने केंद्र सरकार उत्ते शब्दी वार करदे कहा कि किसान देश का अन्नदाता है ते मोदी सरकार को किसानों की गल सुननी चाहिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार होर किन्ने किसानों की बली लवेगी। हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों माता गुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद मानव जाति के पूरे इतिहास में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में, इस किस्म की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? 70 साल से किसानों को, अपने देश के किसानों को सबने धोखा दिया, सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। जलालाबाद के एक वकील ने खेती कानूनों खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिख के आत्महत्या की है। फाजिलका के वकील अमरजीत सिंह राय वालों दिल्ली के टिकरी बॉर्डर उत्ते सल्फास खा के आत्महत्या की गई। दस दिए कि पिछले 10 दिनों तो किसान धरने में शामिल अमरजीत सिंह राय ने देश के PM के नाम पत्र लिखा। सल्फास खाने तो बाद गंभीर हालत में वकील को रोहतक के PGI रैफर किया गया पर उसने रस्ते में ही दम तोड़ दिता। उसने चिट्ठी में तिने खेतीबाड़ी कानूनों किसान विरोधी दसिया, किसानी लहर के समर्थन में कुर्बानी देने की गल आखी है। वकील ने लिखा कि तिने खेतीबाड़ी कानून किसानों मजदूरों और आम लोगों की जिंदगी खत्म कर देंगे। उसने प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि किसानों मजदूरों और आम लोगों तो रोजी रोटी नहीं खोनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नवे खेती कानूनों उत्ते किसानों को गुमराह करने की कोशिश सफल नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की अगवाई वाली भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सूबा पद्धरी समागम को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि नवे खेती कानून किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे पर कांग्रेस से किसानों को गुमराह कर रही है। राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से प्रोग्राम को संबोधन करते हुए कहा कि जदों कदे सुधार लागू किए जाते हैं उदों इसलिए सकारात्मक नतीजे शुरू होने में कुछ साल लग जाते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सुधार मोदी सरकार वालों लिए गए खेती कानूनों के सकारात्मक नतीजे वेखने लिए असी 4-5 साल उड़ीक कर सकते हैं।
जे नहीं तो घट्टो घट दो साल उड़ीक कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि माड़ा प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरिए खोली जाएगी। कोई भी मां का लाल किसानों तो उन्होंने जमीन नहीं खो सकता। यह मुकम्मल व्यवस्था खेती कानूनों की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि घट्टो घट समर्थन मुल जारी है तो जारी रहेगा। किसान यूनियन के आगुओं वालों दो दिनों तो पटियाला बीजेपी के जिला प्रधान हरिंदर सिंह कोहली के घर का घिराओ किया जा रहा है। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके किसानों ने कहा कि हरिंदर कोहली अपने अहदे तो अस्तीफा देवे नहीं तो उन्होंने घर का घिराओ जारी रखेंगे। मेलबॉर्न क्रिकेट मैदान से भारत और आस्ट्रेलिया दरमियान जिथे टैसट मैच खेडा जा रहा है उस ही समय मैदान तो बाहर वड्डी गिणती च मेलबॉर्न च वसदे पंजाबियों ने हत्थां च तख्तियां फड़ के भारतीय किसानों के हक में रोस प्रदर्शन किया। इस मौके वख-वख बुलारे ने अपने विचार रखे। प्रदर्शन दौरान बच्चों बुजुर्गों ने वड्डी गिणती च शमूलियत की। फिरोजपुर सिविल हस्पताल कोरोना वार्ड च NRI परिवार बच्चे नूं जबरन लेके फरार हो गया। दसा जा रहा है कि पिछले कुछ दिन तो करीब 9 साल का NRI बच्चा कोरोना पॉजिटिव होने कारण सिविल हस्पताल फिरोजपुर के कोरोना वार्ड से दाखिल सी। हस्पताल वालों छुट्टी ना मिलने कारण परिवारिक मैंबर रोटी देने दे बहाने सिविल हस्पताल पहुंचे और बच्चे लेके फरार हो गए। कोरोना पॉजिटिव होने कारण पुलिस मुलाजमान ने बच्चे हाथ ना लाद उन्होंने परिवारिक मैंबर रोकने की कोशिश की पर उस नाकाम साबित हुए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजाद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह माता गुजर कौर जी की अदुती लसानी शहादत समर्पित सालाना शहीद जोड़ मेल के अंतिम दिन गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब तो पंजा प्यार की अगवाई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सरप्रस्ती हेठ विशाल नगर कीर्तन सजाया गया जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का पेंडा तय करता होया गुरद्वारा ज्योति स्वरूप साहब विखे समाप्त होया। अज साडे वास्ते बहुत ही जड़ा है एक श्रद्धा ते भावना का जड़ा विषय असी माता गुजर कौर जी ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के लखते जिगरा साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने वास्ते फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते इकट्ठे हुए हैं। समुचे गुरु खालसा पंथ ने गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां जथेबंदियां ने रल मिल के सिख संगत सहित शहीदी पुरब जिहड़ा है श्रद्धा उत्साह सहित मनाया। जरूरत है कि असी अपनियां इन्हां शहादतों तो सबक सीखीए सीध लईए क्योंकि शहादतों का जिहड़ा साडा इतिहास है ये सानू जिहड़ा जिथे गौरवमई बनाउंदा है मान करन योग इन्हां शहादतों ते बनाउंदा है उत्थे सानू भविख दे विच वी सानू जिहड़ा है जिंदगी जिउण दा वल तरीका दसदा है। सारे रल मिल के सिखी जीवन जाच गुरबाणी तो सीखिए गुरबाणी तो सेध लई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहबजादों के शहीद दिहाड़े समर्पित गुरद्वारा कलगीधर साहब राजपुरा विखे विशेष गुरमत समागम करवाए गए। इस मौके श्रोमणी कमेटी के प्रचारक भाई गुरपाल सिंह जी ने साहबजादों की शहादत बारे संगत को जाणू करवाया और भाई सूबा सिंह जी ने इलाही बाणी का कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके वड्डी गिणती संगत ने शमूलियत की। इस मौके प्रबंधक कमेटी के प्रधान बाबा महेंद्र सिंह मीत प्रधान बाबा अवतार सिंह जनरल सकत्र अमृतपाल सिंह दर्दी सैकटरी जसपाल सिंह धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन बाबा अमीर सिंह जी नाजर सिंह प्रैस सकत्र अमरजीत सिंह खजानची जगजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस उपरंत गुरु का लंगर अटुट वरत्या। इस मौके चार साहबजादे फिल्म विखाई गई। इस मौके बच्चों ने साहबजादे समर्पित कवितावान सुनाईया तो प्रबंधकों वालों बच्चों का सम्मान किया गया। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडे खेत और धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा जुझार सिंह जी धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित गुरद्वारा कलगीधर साहब विखे विशेष गुरमत समागम करवाए गए हैं जिस विच उच्च कोटी के कीर्तनीय कथावाचकों ने आ के संगतों साहबजाद्या सरबंधदानी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जो शहादत है उन्होंने तो जाणू करवाया है। सानू चाहिए ये दिहाड़े साढ़े ता ही सफले होंगे जे असी गुरु साहब दी शहादत मन्नांगे उस ते अमल करांगे अपने बच्चों गुरु वाले पासे लावांगे ता ही साढ़िया शहादत मनाईया सफल होनिया ने। असी अपने आप नू लंगरां तो बाहर निकल के शहादत तो जाणू हो के शहादत दे राह ते चलीए। ये सिख कौम जो है चढ़दी कला की कौम है। अज मोदी नू भी असी चेतावनी देने ये वो कौम है जिस भी सब तो छोटी उम्र के बच्चों ने शहादत दी सी हजे भी बाज आजा बार्डर से बैठे किसानों की तो सार ल कौम खाली हाथ मुड़न वाली नहीं है। अज 27 तरीक जो इतने प्रोग्राम चल रहा है साहबजादा दसवें पातशाह जो साहबजादे चार साहबजादे शहीद होए छोटे साहबजादे
सरहद दियां नीहां विच चढ़ा के उन्होंने अपने धर्म की रक्षा वास्ते अपन शहादत दित्तियां। सारा जो कुछ सारा कुछ होया है गुरु तेग बहादुर साहब तो लैके दसवें पातशाह ने सारा परिवार वार के हिंद की चादर बन के अपना निभाया है। दसवें पातशाह ने सिख कौम एडा वड्डा जिहड़ा ये प्रोम दे के सिखी का प्रोम दे के नवाजा है। अगे वास्ते दसवें पातशाह ने कहा भी मेरा खालसा जो है वही सब को करेगा। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूँ निवास। खालसे नू महाराज ने कहा भी जे मेरे दर्शन करने होने ते पंज सिंघां दे कर ले, जे मेरी आत्मा दे दर्शन करने होने ते गुरु ग्रंथ साहब जो कर लवे। इस करके असी जो शहादतां दित्तियां अपने साहिबजादे ने उन्हां दिन मना रहे हैं। अज दा जो शहीदी दिहाड़ा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी अते माता गुजर कौर जी नू कोट कोट प्रणाम। ये साहबजादियां दी सलाना शहीदियां जो मना रही संगत उन्हां दे चरणां दे विच अरदास बेनती है कि सारे जो सिख कौम है वो फतेहगढ़ साहब जा के उन्हां नू कोट कोट प्रणाम करे। शहीदी जोड़ मेल नूं समर्पित एरिया संगत पिंड मलवाल जदीद बदनी कलां ते वजीदपुर दीआं संगतां वल्लों हर साल की तरह इस साल भी चाह ते पकौड़ां दा लंगर लगाया गया। यह लंगर मोगा तो फिरोजपुर रोड उत्ते लगाया गया जिस विच राहगीरां ते संगतां नूं रोक के लंगर छकाया गया। इस मौके संगतां वल्लों दस्सिया गया कि यह लंगर माता गुजर कौर दे छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं याद करदे हुए लगाया जांदा है। श्रोमणी अकाली दल के आगू हरपाल जुनेजा प्रधान जिला पटियाला शहरी की अगवाई में आकाश शर्मा बॉक्सर प्रधान सर्कल रागो माजरा श्रोमणी अकाली दल वालों वार्ड नंबर 42 के अधीन आउंदी गुरु नानक गली नज़दीक डिवीजन नंबर 2 के निवासियों को नाल लेके नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। मोहल्ला निवासियों का कहना है कि नगर निगम सारिया गलियां पिछले 4 महीने तो पट के मुड़ बना भुल गई है जिस कारण उन्होंने नरक भरी जिंदगी जीनी पैंदी है। मोहल्ला निवासियों ने कहा कि मेयर साहब का अपना वार्ड होने के बावजूद मोहल्ला मुढ़लिया सहूलतों से वंचित है। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। जाते जाते नज़र मारते हैं भारत के मौसम के हाल उत्ते। वैदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदरेज जी लिक्विड डिटर्जेंट।